हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीजेनाथ क्रिएशन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 का नंबर 1। सो ऑलरेडी हम पहले ही 3.6 का ए से लेके पूरा जी तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे एच आई जे एंड नेक्स्ट नंबर। सो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे यहाँ पर रेगुलरली तुम्हें यहाँ पर बच्चों देखो मैथ्स का, साइंस का एंड इंग्लिश का यहाँ पर तुम्हें वीडियोस मिल जाएगा। एंड अगर पुराने वीडियोस को देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, जाके मैथ्स का, साइंस का, इंग्लिश का जाके वीडियोस देख सकते हो। तो बिना लेट के जल्दी से हम शुरू करते हैं। सो यहाँ पर देखो 3.6 का क्या बोला गया है। सो हमें निकालना है HCF। ओके, सो ऑलरेडी हम कल आधा डिस्कस कर चुके थे, तो यहां पर क्या है आज हम डिस्कस करेंगे H का 91। ओके 91, तो अगर 91 देखेंगे, अगर ये वाला देखो अगर हम 3 से काटे तो ये नहीं कटेगा। 3 जा 9 एंड 1 कैसे कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या लेंगे, यहां पर लेंगे 7। 7 जा 7 बचा कितना, 2। तो यहां पर हम करेंगे 7 जा 21, तो कितना आया 13। तो 13 जा 13। ओके नेक्स्ट यहां पर देखो क्या बोला गया है, नेक्स्ट नंबर दिया गया है 112। ओके नेक्स्ट दिया गया है 112। तो ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 2 है। तो 25 जा 10, 26 जा 12। फर्दर ये फिर से 2 से कटेगा, 22 जा 4, 28 जा 16। ये फिर से 2 से कटेगा, 21 जा 2, 24 जा 8। ये फिर से 2 से कटेगा, 27 जा 14 एंड लास्ट हम लोग का यहाँ पर अटक जाएगा 71 जा 7। नेक्स्ट और क्या दिया है देखो 49। तो 49 जो है हम लोगों का 3 से तो नहीं कटेगा, ये जो 49 है 3 से तो नहीं कटेगा। किससे कटेगा, एक ही टेबल से कटेगा जो है 7 का टेबल। 71 जा 7, 72 जा 14। तो काउंट करो 7 कितना जा 49 ना, 7 जा 49। So, 7 जा 7। ओके तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं हमारे फैक्टर्स। जो 91 का फैक्टर था वो कितना था, 7 इंटू 13। नेक्स्ट इज 112 का क्या था, 1 2 3 4, 2 और 1 7। तो हम लिख लेंगे 2 इंटू 7। एंड 49 का कितना था ना, 2 7 था। सो 49 का हम लिखेंगे 7 इंटू 7। ओके तो अभी हम क्या निकालेंगे, इनमें से कॉमन हम निकालेंगे कि यहां पर कॉमन कौन सा है। ओके तो यहां पर देखो हमें कॉमन में कौन सा देखने को मिल रहा है, तीनों में 7 देखने को मिल रहा है। तीनों ही जगह हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, 7 देखने को मिल रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये वाला 7 है, HCF इज इक्वल टू 7। आई होप यू अंडरस्टूड बच्चों। अगर कोई भी डाउट है तो फर्दर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज एज सून एज पॉसिबल। एंड रेगुलरली यहां पर तुम्हें मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश का वीडियोस इस चैनल में मिलता रहेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से एक लाइक भी कर दो। तो आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों नेक्स्ट क्या है, आई नंबर 18। तो पहले हम निकालेंगे 18 का, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नेक्स्ट 54, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, नेक्स्ट 3 1 जा 3। नेक्स्ट क्या है 81। तो 81 कैसे कटेगा, देखो क्या हमें 3 का टेबल से काट सकते हैं, तो 3 2 जा 6, तो हम करेंगे 3 2 जा 6, बचा कितना 2, 3 7 जा 21। नेक्स्ट 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो अभी हम लिख लेते हैं इसका फैक्टर्स की 18 का कितना है ना, 18 का है 2 इंटू 3 इंटू 3।
54 का कितना है, 54 का है 2 × 3 × 3 × 3। नेक्स्ट 81 का है 3 × 3 × 3 × 3। तो यहां पर देखो अभी हमारे कॉमन में कौन सा है ना, कॉमन फैक्टर अगर हम देखेंगे यहां पर कॉमन में कौन सा आ रहा है ना, एक 3 आ रहा है, ओके, और एक 3 आ रहा है, तो हमारा यहां पर कॉमन में क्या मिला ना, हमें मिला है दैट इज 3 × 3। कॉमन में क्या मिला, 3 × 3। 3 × 3 जा कितना बच्चों, तो 3 × 3 जा 9। ओके, सो हम लोग का जो HCF आया वो कितना आया, HCF इज इक्वल टू 9। HCF इज इक्वल टू 9। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे बता सकते हो, एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से नीचे का लाइक बटन भी दबा दो। नेक्स्ट देखो जे नंबर, जे नंबर क्या बोला गया है, पहले दिया गया है 12, तो ये 2 से कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। नेक्स्ट कितना है 45, तो ये 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5। फर्दर क्या है 75, ये किससे कटेगा, हम काट सकते हैं 3 से काट सकते हैं, 3 × 2 = 6, तो 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15। फर्दर इसे काटेंगे हम 5 से, 5 × 5 = 25, 5 × 1 = 5। तो अभी इसका हम लिख लेते हैं फैक्टर्स, 12 का कितना होगा 2 × 2 × 3। नेक्स्ट देखो 45 का कितना होगा ना, 45 का होगा 3 × 3 × 5। 75 का देखो कितना होगा बच्चों ना, 75 का होगा 3 × 5 × 5। तो यहां पर देखो अगर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यहां पर कॉमन कौन सा है, यहां पर एक 3 है, नेक्स्ट यहां पर एक 3 है, एंड यहां पर एक 3 है, तो हमें क्या मिला, 3 मिला। सो HCF इज इक्वल टू 3, HCF इज इक्वल टू 3। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर मुझे बता सकते हो, मैं फिर से समझा दूंगा। तो नेक्स्ट इतना तक समझ में आया, तो 3.6 का नंबर 1 कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखो बच्चों हम सेकंड नंबर करेंगे। सेकंड नंबर देखो क्या बोला गया है, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव्स। हमें HCF निकालना है 2 कंसेक्यूटिव नंबर का, 2 कंसेक्यूटिव। तो यहां पर देखो ये वर्ड कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है ना, कंसेक्यूटिव जो यहां पर दिया गया है वर्ड, यहां पर जो कंसेक्यूटिव, इसका मतलब है कंटीन्यूअस। कंसेक्यूटिव का मतलब है कंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस लगातार, ओके, लगातार। सो देखो HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है, तो HCF ऑफ 2 अगर कंसेक्यूटिव अगर नंबर अगर हम लेंगे तो देखो क्या होगा ना, एक ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 3, तो ये 2 × 1 = 2, 3 × 1 = 3। तो ये दोनों का HCF क्या आया, HCF दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर। अगर हम कॉमन फैक्टर ढूंढने के लिए यहां पर देखेंगे तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1, तो HCF क्या आएगा 1। तो ये जो पैटर्न में मैं लिखवा रहा हूं बच्चों, तुम ये इजीली अपने कॉपी में लिख सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट इवन नंबर, अगर 2 इवन नंबर लेते हैं, 4 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। तो यहां पर अगर HCF हम देखेंगे कॉमन फैक्टर में क्या है, यहां पर कॉमन ना, यहां पर एक 2 है, यहां पर एक 2 है, सो हमारा HCF में कॉमन फैक्टर में क्या निकला, 2 निकला, दोनों साइड में कॉमन है। नेक्स्ट दो अगर ऑड नंबर लेंगे हम, 2 कंटीन्यूअस, ओके, सो कंटीन्यूअस अगर लेंगे तो एक लेंगे 3 फिर लेंगे 5, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर में यही कंटीन्यूअस है, 3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5। तो यहां पर कॉमन में देखो क्या है ना, हमारा कॉमन में है 1, कॉमन में क्या आया 1, सो HCF इज इक्वल टू 1। HCF क्या है हमारा 1 कॉमन में आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड।
तो अगर कोई भी डाउट है बच्चों तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो। एंड नीचे पूरा प्लेलिस्ट इसका दिया गया है, पुराने वीडियोस को तुम इजीली जाके एक्सेस कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में दूसरे और एक नंबर के साथ मिलते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।